सभी छात्र छात्राओं का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है, वेलकम है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो हमारा पहला यूनिट है समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसको लेकर के आए हैं। और उसमें हमारी थर्ड यूनिट जो जिसमें हमारे आयोग गठित किए गए हैं, उस आयोग में हमारा तीसरा आयोग जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, 1964 में गठित किया गया। 1966 में इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी सरकार को, तो वो रिकमेंडेशंस हम पढ़ रहे हैं, सुझाव हम पढ़ रहे हैं। आज हम उनके नेक्स्ट सुझाव पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा विद्यालय प्रशासन एवं निरीक्षण संबंधी सुझाव, और दूसरा पढ़ेंगे विद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या के बारे में क्या सुझाव दिए हैं। सबसे पहले हम नजर मारते हैं कि विद्यालय का जो प्रशासन होता है, चाहे आपका प्राथमिक विद्यालय हो चाहे आपका माध्यमिक विद्यालय हो, उसके प्रशासन के बारे में, उसके निरीक्षण के बारे में, है ना, क्या क्या उन्होंने सुझाव दिए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि केंद्र ने राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाना चाहिए, अर्थात नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन सर्विस, ये इस तरह के दो जो है संगठन जो है खोलने की बात इन्होंने कही है। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य के राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, अर्थात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और राज्य शिक्षा सेवा स्टेट एजुकेशन सर्विस का भी गठन किया जाना चाहिए, यानी कि दो जो संस्था है वो केंद्र स्तर पर गठित होंगी और दो संस्थाएं जो है राज्य स्तर पर गठित की जाएगी, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन और निरीक्षण से संबंधित वो कार्य करेंगे। देश में अनेक प्रकार के उन्होंने विद्यालय बताए हैं, जैसे आपने सरकारी होते हैं, गैर सरकारी होते हैं, कुछ स्थानीय निकाय के होते हैं, कुछ राज्य सरकार के होते हैं, कुछ केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, कुछ सहायता प्राप्त होते हैं, कुछ गैर सहायता प्राप्त होते हैं। तो इनकी इनकी फिर विभिन्न प्रकार की मैनेजमेंट कमेटियां होती है, प्रबंधकारी समितियां होती है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि जब उनकी प्रबंधकारी समितियां अलग अलग होंगी तो उनके विचार भी अलग होंगे, उनकी नीतियां भी अलग होंगी, तो उनकी जब नीतियां अलग होंगी तो वहां पर जो कार्यक्रम चलते होंगे वो सारे अलग हो जाएंगे। तो उसके लिए एक सुझाव दिया है कि इन्होंने आगे आने वाले 20 वर्षों में ये सारे के सारे प्रबंध समितियां जो है ये खत्म कर देनी चाहिए और उनके स्थान पर एक सामान्य विद्यालय प्रबंध पद्धति का विकास किया जाना चाहिए और इनकी प्रबंध समितियों में शिक्षा विभाग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, यानी कि इन जो समितियां जो गठित की जाएंगी है इनमें शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी भी होने चाहिए जो शिक्षा के बारे में जानते हों। जो विद्यालय प्रबंध समितियां विद्यालयों का उचित प्रबंध नहीं कर सकेंगी उन्हें भंग कर दिया जाएगा, यानी कि तुरंत भंग को कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि विद्यालयों के नियमित निरीक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए और उसके लिए निरीक्षण मंडलों में जिला विद्यालय निरीक्षक और उनके साथ उनके और अनुभवी व्यक्तियों को सम्मिलित करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि विद्यालयों का अगर रेगुलर निरीक्षण नहीं होगा तो उसमें वहां पर अव्यवस्था बन जाएगी। निरीक्षण से यह है कि चाहे शिक्षक वर्ग है, चाहे प्रशासन वर्ग है, चाहे आपका नॉन टीचिंग वाला स्टाफ है, क्लेरिकल स्टाफ है, सब अपने कार्य की अवेयर रहेंगे, अपना रजिस्टर जो है वो मेंटेन रखेंगे, अपने कार्य को वो चुस्त दुरुस्त रखेंगे, अपडेट रखेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा भय रहेगा कि कभी भी निरीक्षण हो सकता है, मेरे काम के प्रति मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उसका जवाब क्या दूंगा, तो मेरा काम पूरा नहीं होगा, तो रेगुलर को एक वहां पर इंस्पेक्शन उसका होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रशासन से निरीक्षण कार्य को अलग रखा जाना चाहिए, यानी कि प्रशासनिक कार्य अलग होगा, निरीक्षण कार्य अलग होगा, उनमें दोनों में अलग अलग होनी चाहिए। जिले के विद्यालयों का प्रशासन कार्य जिला विद्यालय बोर्ड के हाथ में हो, जो जिले के जितने विद्यालय है वो जिला विद्यालय बोर्ड के हाथों में हो कार्य,
निरीक्षक जिला विद्यालय अधिकारी या विद्यालय बोर्ड और जिला शिक्षा अधिकारी, इनसे दोनों से सहयोग लेना जरूरी होता है। तो पूछिए इन्होंने विद्यालय प्रशासक और निरीक्षक के बारे में अपने सुझाव दिए हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि इन्होंने विद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या के बारे में क्या अपने सुझाव दिए हैं। देखिए विद्यालय की जो एक पाठ्यचर्या होती है, उस पाठ्यचर्या का जब निर्माण किया जाता है तो बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही चिंतन मनन के बाद में पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, क्योंकि उसमें एक सैद्धांतिक कार्य भी होता है, एक प्रायोगिक कार्य भी होता है और उसमें जो है सह पाठ्य क्रियाएं भी होती है। तो कुल मिलाकर के कब किस चीज का प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए, सैद्धांतिक क्लासेस है कब होनी चाहिए, प्रायोगिक क्लासेस कब होनी चाहिए, पाठ्य सैद्धांतिक क्रियाएं कब होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो बच्चों को सर्वांगीण विकास हो जाएगा। जब हमने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है तो सारी सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। तो हमारा पाठ्यचर्या जो सैद्धांतिक रूप में भी है हमारी, तो उस सैद्धांतिक रूप में भी हमें कौन कौन सी भाषाएं पढ़ानी है बच्चों को, प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक स्तर पर क्या होगा हमारा, कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो उसके सर्वांगीण विकास में सहयोग दे सकेंगे, है ना, उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे, उसकी मांगों को कर सकेंगे पूरा, है ना। तो इस तरह से बहुत ही चिंतन मनन करने के बाद में पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है किसी भी स्कूल के लिए या किसी भी शिक्षा प्रणाली के लिए। तो उन्होंने अब उसके बारे में अपने क्या सिद्धांत बताए हैं, अपनी क्या चोरिया दी है, क्या सुझाव दिया है, वो ये बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले बताया है कि विद्यालय पाठ्यचर्या का निर्माण बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। जो बेसिक शिक्षा का सिद्धांत था, यानी कि उसमें किसी हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही थी, जिससे उत्पादन कार्य होगा, उत्पादन कार्य से फिर जो है स्कूलों का तो कुछ खर्च वहन किया जा सकेगा, एक सहसंबंध विधि के माध्यम से या समवाय विधि के माध्यम से गांधी जी ने जो है एजुकेशन देने की बात कही थी, जिसमें एक विषय की शिक्षा को देने समय कई विषयों की शिक्षा उसमें दी जाती है छात्र छात्राओं को, तो वो सहसंबंध विधि कहलाती है। तो उस चीज को कहा है कि दोनों चीजों का उसमें पाठ्यचर्या में स्थान देना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है पूरे देश के लिए एक समान होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी राज्य का हो, किसी भी राज्य में कोई भी जो है वो किसी भी सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे अनुदानित हो, चाहे आपकी स्थानीय सरकार की हो, चाहे आपकी राज्य सरकार की हो, है ना, इन सब का जो पाठ्यचर्या होगा, पाठ्यक्रम होगा वो एक समान होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह पाठ्यचर्या सरल होनी चाहिए, इसमें मातृभाषा को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके विकास की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें कि व्यावसायिक वर्ग की पाठ्यचर्या स्थान विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर होनी चाहिए। जिस स्थानों पर जिस तरह के उद्योग करने लगे हैं, कल कारखाने फैक्ट्रिया लगी है, उसमें उसी तरह के कर्मकारों की, कुशल कर्मकारों की, कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो उसी के आधार पर कह रहे हैं कि उसी से रिलेटेड व्यवसाय शिक्षा उन स्थानों पर ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा के सामान्य और व्यवसाय किसी भी वर्ग की पाठ्यचर्या अपने पूर्ण इकाई होनी चाहिए। पूर्ण इकाई का मतलब यह है कि जो बच्चा उसके बाद में कोई व्यवसायिक शिक्षा लेना चाहता हो, रोजगार पर शिक्षा लेना चाहता हो या किसी व्यवसाय को खोलना चाहता हो तो वो खोल सकता हो, और जो आपका उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता हो उसके लिए भी वो सर्वसुलभ हो, उसके लिए वो एक शिक्षा कर सकते। अब इन्होंने वो पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की, उसके बारे में थोड़ा सा अपना चर्चा की है, अपने सुझाव दिए हैं। जैसे उन्होंने बताया है
क्योंकि इन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में सुझाव दिए हैं। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है, तो उसी पार्टी चिन्ह में क्या बताया है, सबसे पहले क्या है, खाने और पहनने, खाना खाना और पहनना, क्या पहनना है उसका उनको एक ध्यान रखना चाहिए, उनको सिखाना है, पोषण सिखाना है बच्चों को कि किस तरह से खाया जाता है, क्या चीज खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, थोड़ा सा समझाया जाएगा क्या पहनना चाहिए। तो इसके पोषण, सफाई का ध्यान रखना, अपने कपड़ों का ध्यान रखना, अपने आस पास अपने बैग का ध्यान रखना, ये चीज बताई जाएगी। बातचीत करने का ढंग बताया जाएगा उनको, सामाजिक व्यवहार थोड़ा सा बताया जाएगा उनको, खेल कूद में जो मस्त रहेंगे बच्चे, खेल कूद तो उनको चिंता करा देगी, तो खेल कूद के बारे में बताया जाएगा। और कुछ उनसे सृजनात्मक क्रिएटिव वर्क उनसे कुछ करवाया जाएगा, कुछ दिया जाएगा कि आप उसको कुछ बनाइए, कुछ करिए, जो भी उसकी इच्छा हो बना के रखेगा उसको। अब उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा के पाठ चलना, अब जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की, उसका पाठ्यचर्या क्या बताया है, सबसे पहले तो बताइए कि मातृभाषा, उसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं, जो बच्चा जन्म से अपने माता पिता से जिस भाषा को सुनता है, अपने परिवार से जिस भाषा में बातचीत करता है, ये सुनता है बातों को, अपने पड़ोस अपने क्षेत्र में जिस भाषा के माध्यम से वो अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाता है, जो वो माध्यम जो है या वो भाषा जो है हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। तो एक तो उस पर बन गया है, दूसरा एक अप्लाइड मैथ होता है, व्यवहारिक गणित जो हमारे जीवन में काम आने वाला होता है, सिर्फ उसकी बात कर रही है, उदंड की बात नहीं है। भौतिक पर्यावरण जो हमारे आस पास का पर्यावरण होता है, वो भौतिक पर्यावरण की वन नदी झील बरसात पोखर नदियां पर्वत है ना, ये सब चीजें सृजनात्मक क्रिया के बच्चों से कराती है। कार्य अनुभव मतलब वही गांधी वाला, कोई भी हस्तशिल्प के माध्यम से कोई भी विषय पढ़ाना है, समाज सेवा की आयु के अनुसार, जैसे कि आयु होगी समाज सेवा का कार्य को करवाना चाहिए या उस पर दूसरों को मोड़ना चाहिए, बताना चाहिए उसका ज्ञान। स्वास्थ्य शिक्षा में बच्चों को खेल कूद दिया जाएगा, उसका व्यायाम करना भी उसको सिखाना है, ये सब चीजें उसके अंतर्गत आ जाएगी। अब आती है आपकी जो 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा होती है, या उसको निम्न माध्यमिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका पाठ्यक्रम क्या होता है, पहले तो वही है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं उसको, दूसरा है इसमें हिंदी अथवा अंग्रेजी, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान कला कोई फिर सिर्फ कार्य या कार्य अनुभव समाज सेवा स्वास्थ्य शिक्षा जिसमें खेल कूद और व्यायाम आ जाएगा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा जो आध्यात्मिक मूल्य आपका जो मानवीय धर्म होता है मानव धर्म होता है उसकी शिक्षा, नैतिक किसी विशेष धर्म की शिक्षा, तो ये पाठ्यचर्या बताई है। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, माध्यमिक शिक्षा जो आपकी 9th 10th है और आपकी 11th 12th है, उसके बारे में अब चीजें लेंगे। पहला तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हुई, उसके बाद हिंदी अथवा कोई अन्य संघीय भाषा, हिंदी ले सकते हैं आप, संस्कृत ले सकते हैं आप, उर्दू ले सकते हैं आप, कोई यूरोपीय भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा, कोई भी यूरोप की अंग्रेजी फ्रेंच इस तरह की भाषा जो है वो ले सकते हैं। गणित है आपका, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, कला है, कार्य हो कोई कृषि कार्य जिससे आ सकता है, हस्तशिल्प का कार्य आ सकता है, कोई भी समाज सेवा जैसे उसकी आयु है जैसे उसका स्थान है उसके अकॉर्डिंग, स्वास्थ्य शिक्षा खेल कूद व्यायाम सिखाया जाएगा, और आपकी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने की वहां पर जरूरत है, तो ये इसका पाठ्यक्रम आ जाएगा। इसके बाद में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या बनेगा जो आपका 11वीं 12वीं क्लास के लिए पाठ्यचर्या है, इसमें कोई आधुनिक भारतीय संघ भाषा और कोई आधुनिक विदेशी भाषा और कोई शास्त्रीय भाषा, इन
तीनों में से कोई भी दो भाषाएं आपको पढ़नी है, और इसके बाद में कोई भी एक और किसी भाषा भी आपको लेनी है, और यदि किसी भाषा के ले सकते हैं या कोई भी विषय है, इनमें से कुल मिलाकर के तीन विषय आप ले सकते हैं। जैसे कोई तीसरी भाषा हो सकती है, या इतिहास हो सकता है, या आपका भूगोल हो सकता है, अर्थशास्त्र हो सकता है, तर्कशास्त्र जिसको लॉजिक कहते हैं, मनोविज्ञान साइकोलॉजी हो सकती है, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी हो सकती है, आपका भूगोल जियोग्राफी हो सकता है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हो सकता है, भौतिक शास्त्र फिजिक्स हो सकती है आपकी, आर्ट हो सकती है आपकी, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकता है, बायोलॉजी हो सकती है, भूगोल शास्त्र को आपका जियोलॉजी होम साइंस ज्ञान लेने, तो ये सब चीजें आपकी हो सकती है। और अतिरिक्त एवं अनिवार्य कार्य, वो अनिवार्य क्या कार्य हो सकता है, एक तो कार्य के माध्यम से शिक्षा और समाज सेवा की कार्य देना है, सामाजिकता के भावना के अंतर्गत आनी है, और स्वास्थ्य शिक्षा भी उनको देनी है। तो स्वास्थ्य शिक्षा, समाज शिक्षा और कार्य अनुभव, ये आपका प्राइमरी लेवल से यानी कि प्राथमिक स्तर से शुरू होकर के आपका माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक के लिए ये इन्होंने बताया है। और इसके बाद में संशोधित त्रिभाषा सूत्र के बारे में उन्होंने सुझाव दिया है, जो तीन भाषाओं का सूत्र होता है हमारा, तीन भाषाओं की जानकारी हर बच्चे को होनी चाहिए। तो त्रिभाषा सूत्र क्या है, वो पहला तो इसमें उन्होंने बताया है मातृभाषा और या तो क्षेत्रीय भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा, उसको हम मातृभाषा भी कह सकते हैं, और दूसरा संघ की राजभाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी, यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों के लिए दूसरी भाषा है उनके लिए हिंदी, और तीसरा कोई आधुनिक भाषा या कोई आधुनिक लोकी भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा जो प्रथम दो में ना ली गई, प्रथम दो मातृभाषा और सब की राजभाषा के बारे में उन्होंने बताया है। तो अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसमें कि ये पाठ्यचर्या तो बता दी कि ये पाठ्यचर्या देनी है, अब ये पाठ्यचर्या देने के लिए कुछ शिक्षण विधियां भी होती होगी, उन शिक्षण विधियों के बारे में उन्होंने सुझाव दिया है। शिक्षण विधियां जिसके माध्यम से हम अपनी पाठ्यचर्या अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे, वो अपना कंटेंट वो अपनी विषय वस्तु बच्चों तक पहुंचाएंगे, तो उस माध्यम को शिक्षण विधियां कहा जाता है। वो शिक्षण विधियां सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए उसकी भाषा कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो उसको समझने में, बच्चों की रुचियां, बच्चों की योग्यता, बच्चों की मानसिक योग्यता, बच्चों की बौद्धिक क्षमता, इसके अनुसार शिक्षण विधियां दी जानी, गठित करी जानी चाहिए। उन शिक्षण विधियों का प्रयोग हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए जो हर स्तर के बच्चे के लिए एक सरल हो, हर स्तर का बच्चा उससे ज्ञान प्राप्त कर सकता हो, तो उसके लिए थोड़ा सा इन्होंने सुझाव दिए हैं। पहले बताया है कि शिक्षण विधियां प्रणाली लचीली होनी चाहिए। लचीली का मतलब यह है कि हम अपनी क्लास के अंदर किसी भी शिक्षण विधि से जैसे पढ़ा रहे हैं, तो अगर उसका आउटपुट हमें अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो हम उसको चेंज कर लेंगे शिक्षण विधि, है ना, तो वो लचीली शिक्षण विधि नहीं है। गतिशील होनी चाहिए, गतिशील का मतलब यह है कि एक ही शिक्षण विधि के माध्यम से हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, दूसरी विधि हो, तीसरी विधि हो जानी चाहिए, यानी कि जिस तरह से समाज में संशोधन परिवर्तन होता है उसकी एक आवश्यकता अनुसार मांग के अनुसार पाठ्यचर्या निर्मित की जाती है, उसी के अनुसार पाठ्य है शिक्षण विधियों में संशोधन करना पड़ता है, गतिशील बनाना पड़ता है। क्रिया प्रधान और रोचक वाली है शिक्षण विधियों होनी चाहिए। शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, इसके लिए कुछ कार्यशालाएं स्कूलों में संगोष्ठियां सम्मेलन इस तरह के ऑर्गेनाइज करने चाहिए, वहां पर एक जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं उनको बुलाना चाहिए जो हमें शिक्षण विधियों के बारे में भी जानकारी दे। अध्यापकों को उचित निर्देशन सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उचित निर्देशन सामग्री भी अध्यापकों को जो है
उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विद्यालयों को शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण करने का प्रशिक्षण देने का एक आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें अध्यापकों को अपनी जो टीचिंग एड्स होती है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है, कौन कौन सी यूज करनी है, कब कौन सी कहाँ कैसे यूज करनी है, उन सब चीजों का उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पर काम किया जाना चाहिए। और लास्ट में यह है कि आकाशवाणी के सहयोग से पाठों का प्रसारण किया जाना चाहिए। आकाशवाणी का मतलब यह रेडियो के माध्यम से छात्र छात्राओं का या देश के और जो बच्चे हैं या युवा वर्ग है जो उस शिक्षा से वंचित हो गए हैं, तो उनके लिए भी उन पाठों का, उन क्लासेस का, उन चैप्टर्स का प्रसारण होना चाहिए। और उसके लिए उस समय होना चाहिए कि वो किसी भी समय पढ़ सकते हो, या उनका प्रसारण जो है विद्यालय समय में किया जाना चाहिए ताकि वो बच्चे भी उसका लाभ उठा सके और अन्य व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी।